गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एचवीएसी सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें पहला है एचवीएसी सिस्टम। इसमें जो है निम्न पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे: इष्टतम डिजाइन, निगरानी और नियंत्रण, शौचालन प्रभावी निवारक रखरखाव, हीट ऊर्जा घाटा का न्यूनतम, हीट ऊर्जा घाटा न्यूनतम और न्यूनतम रिसाव घाटा तथा न्यूनतम ऊर्जा कुशल एच बी ए सी अवयव, बेस्ट हीट रिकवरी ट्यून और एच बी एस नियंत्रण प्रणाली, इसमें पॉइंट शामिल होंगे। सिस्टम बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम या ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने पर या आउट ऑफ सोर्स को बाहर करने पर विचार करें। एंड प्रवाह को कम करने, ब्लोअर या पंखे या पंप बिजली की आवश्यकताओं को कम करने के लिए सिस्टम को संकुलित करें। पॉसिबल जब भी संभव हो तो गर्मी को कम या और भी कम करें। उचित एचबीएसी थर्मोस्टेट को वापस लें। गर्मी में सुबह की प्री कूलिंग और सर्दियों में प्री हीटिंग का उपयोग करें। इक्विपमेंट एचबीएसी उपकरण संचालन को कम करने के लिए थर्मल लैग के निर्माण का उपयोग करें और सर्दियों में बिना पीरियड्स के दौरान पानी की लाइनों को जमने या संग्रह सामग्री को नुकसान पहुंचाए तापमान को कम से कम उसको गिरने ना दें। गर्मियों में निर्वाह अवधि के दौरान संग्रह सामग्रियों को नुकसान पहुंचाए बिना तापमान को जितना संभव हो सके उतना बढ़ने दें। बाहर की हवा के नियंत्रण और उपयोग में सुधार: भारी हवा को गर्म और ठंडा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम करने के लिए एयर टू एयर हीट एक्सचेंजर का उपयोग करें। एचवीएसी प्रणाली के संचालन के घाटे को कम करें। आवश्यकता होने पर ही वेंटिलेट करें। कुछ क्षेत्रों को बंद करने की अनुमति देने के लिए निर्बाध रूप से निरंतर लोड पर समर्पित एचवीएसी सिस्टम स्थापित करें। वातानुकूलित हवा के अत्यधिक निकास से बचने के लिए रसोई, सफाई कमरे, दहन उपकरण आदि से बाहर की हवा की आपूर्ति प्रदान करें। एलईडी निर्जन अवधि के दौरान आर्द्रीकरण या विस्मरण को कम करें। एक एचबीएसी कार्य कुशलता कार्यक्रम को स्थापित करें। जहां संभव हो सके आर्द्रीकरण के लिए भाप के बजाय परमाणुकरण का उपयोग करें। क्लीन एचबीएसी यूनिट समय समय पर कॉयल और कंगी मैश किए हुए पंख। प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए फिल्टर बैंकों को अपग्रेड करें। इस प्रकार पंखे की आवश्यकताओं को कम करें। शेड्यूल एक अनुसूची कम से कम मासिक पर एचवीएसी फिल्टर की जांच करें। यदि उचित हो तो स्वच्छ सारणी का उपयोग करें। उचित संचालन साइकिलिंग और रखरखाव के लिए बायबी नियंत्रण को बायबी कंप्रेसर की जांच करें। एरियाज उच्च बे क्षेत्रों में थर्म स्थिरीकरण को कम करने के लिए छत के पंखे स्थापित करें। उच्च छत वाले क्षेत्रों में इष्टतम ऊंचाई तक वायु विक्षेपों को स्थानांतरित करें। बीम सफाई या उचित बीम दिशा के लिए अवरक्त हीटर पर परावर्तक की जांच करें। हीट पूरे क्षेत्र को गर्म करने के बजाय गर्मियों के स्थानीय अवरक्त गर्मी का उपयोग करें। फैंस, स्पॉट कूलिंग और हीटिंग का उपयोग करें। विंडो एचवीएसी खिड़की इकाइयों के लिए केवल उच्च दक्षता वाले मॉडल खरीदें। टाइमर नियंत्रण पर एचवीएसी विंडो इकाइयाँ लगाएं। शीतलन इकाइयों की देखरेख मत करें। ओवरसाइज इकाइयाँ छोटा चक्र होंगी जिसके परिणाम स्वरूप आर्द्रता कम होगी। फ्यूल बॉय इंजन क्षमता स्थापित करें। उस समय सबसे अच्छे ईंधन के साथ चलें। हुड एग्जास्ट हुड के लिए समर्पित मेकअप पर विचार करें। स्पीड एचबीएसी प्रशंसक गति को कम करें। आर्द्र जलवायु में शीतलन आवश्यकताओं को कम करने के लिए भारी हवा के सुखाड़ पर विचार करें। ग्राउंड सोर्स हीट पंप पर विचार करें। कॉयल के चारों ओर सभी लीक जो हैं वो सील करें। एयर ढीले या छतरी कनेक्शनों की मरम्मत करें। ऊर्जा उपयोग को कम करने के लिए जॉन एचवीएसी वायु प्रणाली स्पंज ब्लेड और लीकेज का निरीक्षण करें। सफाई चिकनाई को समायोजित करें। प्रशीतन प्रणालियों में ऊर्जा संरक्षण के अवसर ये हमारा रेफ्रिजरेशन की यूनिट का है। तो इसमें कूल एयर कूल कंडेंसर के बजाय वाटर कूल कंडेंसर का उपयोग करें। ओवरसाइज से बचें। विद्युत शुल्क को कम करने के लिए गैर संचालित प्रशीतन उपकरण पर विचार करें। ठंड के मौसम में चिलन बंद करने की अनुमति देने के लिए फ्री कूलिंग का उपयोग करें। यदि संभव हो तो श्रृंखला में प्रशीतित जलवाहक का उपयोग करें।
यह मत समझें कि पुराना तरीका अभी भी सबसे अच्छा है। विशेष रूप से ऊर्जा की कम तापमान प्रणाली का उपयोग करें। अनुचित ब्रायन या ग्लाइकोल एकाग्रता को ठीक करता है और गर्मी हस्तांतरण और पंपिंग ऊर्जा को प्रतिक्रिय रूप से प्रभावित करता है। बाई गर्म गैस और बाईपास को कम करने के लिए समायोजन करें। हवा और पानी के रिसाव के लिए शुद्ध का निरीक्षण करें। एक रेफ्रिजरेशन दक्षता कार्यक्रम स्थापित करें। प्रशीतन प्रणाली में एनर्जी कंजर्वेशन के अवसर। पहला है अनुकूलन प्रक्रिया, हीट एक्सचेंजर सतहों को बनाए रखना, मल्टी स्टेजिंग सिस्टम लोड करने की क्षमता से मेल खाना, कंप्रेसर की क्षमता का नियंत्रण, पौधों की जरूरतों का मल्टी लेवल रेफ्रिजरेशन और ठंडा पानी का भंडारण और सिस्टम डिजाइन सुविधाएँ। एनर्जी कंजर्वेशन रेफ्रिजरेशन यूनिट यदि संभव हो तो ठंडे पानी के तापमान को बढ़ाएँ। उपलब्ध न्यूनतम तापमान कंडेंसर पानी का उपयोग करें जो चिलर को संभाल सकता है। वाष्पीकरण तापमान में वृद्धि कंप्रेसर बिजली की खपत को 20-25% तक कम कर देता है। कंडेंसर जल प्रवाह दर और प्रसूतित जल प्रवाह का अनुकूलन करें। एफिशिएंसी पुराने चिलर और कंप्रेसर को नई दक्षता वाले मॉडल में बदलें। निरंतर या निकट संचालन के लिए उचित ऊर्जा कुशल मोटर का उपयोग करें। तेल को ओवरचार्ज ना करें। पार्ट मल्टीपल चिलर्स के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का निर्धारण करने के लिए पार्ट लोड सुविधा और साइकिलिंग लागत का ध्यान करें अध्ययन करें। ओवरसाइजिंग से बचें और कनेक्टेड लोड से मिलान करें। ऑफ एंड चिलर्स कूलर टावर को अलग करें। ऊर्जा कुशल प्रणाली डिजाइन और चयन। HVAC प्रणाली के लिए डिजाइन ऊर्जा में ऊर्जा दक्षता के लिए सबसे बड़े अवसर मौजूद हैं। HVAC डिजाइन स्थानीय पर्यावरण स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण करते हुए इसकी परिचालन लागत और प्रदर्शन के रूप में दर्जी योग्य नहीं किया जाना चाहिए। सीजन भिन्नता के साथ ऊर्जा दक्षता पर विचार करके इष्टतम क्षमता किसी भी HVAC सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है ऊर्जा निगरानी और नियंत्रण प्रणाली। एक ऊर्जा निगरानी और नियंत्रण प्रणाली HVAC प्रणाली के संचालन की निगरानी, नियंत्रण और ट्रैकिंग प्रणाली की खपत का समर्थन करती है। ऐसी प्रणाली निरंतर प्रबंधित करती है। HVAC सिस्टम ऊर्जा का उपयोग करती है। अपशिष्ट गर्मी वसूली और ऊर्जा की खपत को बचाने के लिए HVAC प्रणाली में संभावित तकनीकी समस्याओं को दूर करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन HVAC और रेफ्रिजरेशन यूनिट। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।